नमस्कार दोस्तों, यूब्रेक एफिक्स चैनल पे आप लोग को स्वागत है। दोस्तों कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर एक वीडियो बनाया था जो है फोटो लैब के बारे में, जिसमें आप लोग जो है तरह तरह के यहाँ पर जो है आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो, इस टाइप का आप लोग यहाँ पर अपने खुद का फोटो और अपने फ्रेंड के फोटो यहाँ पर जो है एडिट करके आप लोग जो है आराम से आप लोगों का फ्रेंड को या आप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में आप लोग प्लेटफॉर्म में यहाँ पर जो शेयर कर सकते हो। बहुत ही अच्छा लगता है देखने के लिए, लेकिन 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 यहाँ पर अच्छे लगने से नहीं होगा फ्रेंड्स, आप लोगों को प्राइवेसी का यहाँ पर खतरा है। तो क्या खतरा है, ये एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करना चाहिए या आप लोगों को अभी डाउनलोड है तो आप लोगों को अनइंस्टॉल करना चाहिए? सो वीडियो पूरा आप लोगों को डिटेल के साथ बताएंगे। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह टिप्स एंड ट्रिक्स में रिलेटेड वीडियो आप लोग को लेके आता हूं हमेशा। सो लेट गेट स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वो है देखिए, हर एक एप्लीकेशन यहाँ पर जब भी आप इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जब आप इंस्टॉल करेंगे तब आप लोग यहाँ पर जो कुछ परमिशन मांगता है वो है आप लोग गैलरी का परमिशन, फोटो एप्लीकेशन है तो, और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है इसे एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके साथ साथ आप लोगों को गैलरी, फाइल मैनेजर, बहुत कुछ आप लोग यहाँ पर जो है परमिशन मांग लेता है, जो हम लोग यहाँ पर जो है रीड नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में यहाँ पर जो है वो एक्सेप्ट कर देता है। उसके बाद हम लोग जो है केवल फोटो हो यहाँ पर फ्रेंड के फोटो हो यहाँ पर जो है देख के आप लोग जो है पूरा यहाँ पर जो एडिट करवा लेते हो उस एप्लीकेशन के माध्यम से। तो आप लोगों का यहाँ पर खतरा कैसे होगा फिर सब लोग को बता देता हूँ। देखिए, हर एक एप्लीकेशन यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है, परमिशन मांगता है, तो इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, आप लोगों का जो है आप खुद से आपका यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स उस एप्लीकेशन का हवाले कर दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर फोटो लैब का यहाँ पर जो है आप लोगों को फंडा क्या है आप लोगों को बता दूं, फोटो लैब का यहाँ पर जो है आप लोगों को इंटरनेट कनेक्शन चाहिए आपका मोबाइल फोन में। उसके साथ साथ आप इंस्टॉल करेंगे आप लोगों को परमिशन यहाँ पर मांगता है, आप लोग एक्सेप्ट कर देते हो। उसके साथ साथ जब आप यहाँ पर कोई भी फोटो को यहाँ पर एडिट करने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करते हो, आप लोग देख ही सकते हो स्क्रीन में, तो इस टाइप का आप लोगों को जो है आपका फोटो यहाँ पर प्रोसेसिंग में कुछ देर यहाँ पर टाइम लेता है। उसके साथ तरह तरह के यहाँ पर एड दिखाता है, क्योंकि वो प्रोसेसिंग में टाइम लेगा तो आप लोगों को यहाँ पर जो है एड देख के आप लोगों को टाइम यहाँ पर जो है आराम से कट जाएगा। आपका फोटो जो है पर उसका सर्वर में चला जाता है फोटो लैब का। उसके बाद वो फोटो लैब का सर्वर में जाने के बाद आपका फोटो उन लोगों के पास यहाँ पर सेव है। उसके साथ साथ आप लोगों का फोटो एडिट करके खूबसूरत से यहाँ पर बना के आप लोगों का सामने हमें प्रेस करता है, ठीक है। तो आप लोगों का मन में यहाँ पर कोई भी सवाल सुझा कुछ भी नहीं रहता है, यहाँ पर आप लोगों को फोटो मिल गया और आप लोग आराम से फोटो को आप लोग इधर उधर सोशल मीडिया में शेयर करते हो। तो अंदर के बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को बोल दिया फ्रेंड्स, आप लोगों को खतरा है एप्लीकेशन से, वो है आपका डॉक्यूमेंट्स, आपका जो है फोटो यहाँ पर उन लोगों का सर्वर में चला जाता है, वो चाहे तो आपका फोटो के साथ बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ पर जो आप लोग यूज करेंगे उसके बारे में पहले जान लीजिए, उसके बाद आप यूज कर सकते हो। मैंने भी आप लोगों को यहाँ पर जो है मेरा फोटो यहाँ पर देखे आप लोगों को बता दिया था कैसे एडिट करना है, क्या क्या फंडा है इस एप्लीकेशन में। तो उसके साथ इस एप्लीकेशन में आप लोग लॉगिन बिल्कुल भी मत कीजिएगा, लॉगिन करेंगे फेसबुक आईडी से या आप लोग गूगल आईडी से तो फिर आप लोगों का पूरा डिटेल्स यहाँ पर उन लोगों के पास चला जाता है फ्रेंड्स। सो गाइस, वीडियो में आप लोगों को कुछ भी इन्फॉर्मेशन लगा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है, अपडेट आप लोगों को जल्दी से पहुंच जाए। मैं मिलता हूं दूसरे वीडियो दूसरे टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।